अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्पेशल मटन बिरयानी, जो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है, 150 ग्राम ऑयल और 150 ग्राम घी डालकर। 700 ग्राम के करीब है प्याज। इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 kg बासमती राइस ले लिया है। वॉश करके इसे हम 30 मिनट्स पहले सोक करके रख लेंगे। ये देखिए, ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब हम इसे निकाल लेंगे और फ्रीजर में रख लेंगे 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। आप भी इसे ट्राई करें। मटन ले लिया है मैरिनेशन के लिए, 1.7 kg। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, 4 टेबल स्पून। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 4 टेबल स्पून ऐड कर लिया है। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे, 3 टेबल स्पून। हम यहाँ पर स्पाइसी बना रहे हैं बिरयानी, तो थोड़े से हरी मिर्च और लाल मिर्च को ज़्यादा ऐड करेंगे हम, ताकि हमारी जो बिरयानी है मज़ेदार बने। देखिए, अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे यहाँ पर, 3 टेबल स्पून। हमने यहाँ पर सारे मसालों को एक साथ मिक्स नहीं किया है। जब जब हम मसाला डाल रहे हैं, तब तब हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी फ्लेवर्स है इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए, हमने यहाँ पर लाल मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक ऐड कर लेंगे, 2 टेबल स्पून। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। शाहजीरा 1 टीस्पून। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना हम अच्छे से मसलेंगे, उतना ही ऑब्जर्व हो जाएगा इसमें मसाला। हरी मिर्च 5 से हमने स्लाइड कर लिया है। हरा मसाला ऐड कर लेंगे। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही जूसी बनेगा मटन। हमने जो फ्राई कर लिया था ऑनियन, इसमें ऐड कर लेंगे आधी, और आधी हम बाद में ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। एक एक फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। दही ऐड कर लेंगे 750 ग्राम। अगर आप चाहें तो दही की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत ही मसालेदार बनेगी बिरयानी। अच्छे से मिक्स कर लें। तेल ऐड कर लेंगे, जो हमने प्याज तल लिया था वही तेल है। यहाँ पर 1/2 आवर ऐड कर लें। मिक्स कर लेंगे। नींबू का जूस ऐड कर लेंगे, 2 टेबल स्पून। अगर दही खट्टा है तो स्किप कर दें नींबू का जूस। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम 3 से 4 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं आप। मिनिमम हम इसे 2 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये बड़े से वेजल में मैंने पानी ऐड कर लिया है 1/2। इसमें हम तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा और चक्रफूल ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ऐड कर लिया। नमक ऐड कर लेंगे, 4 टेबल स्पून। मैंने 2 किलो यहाँ पर चावल ऐड किए हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 हैंडफुल नमक ऐड कर रहे हैं। उस हिसाब से आप ऐड करें। अब हरा मसाला ऐड कर लेंगे और कुछ हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, और इसे हाई फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। देखिए, बॉयल आ चुका है। हमने जो चावल को भिगा लिया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली करें।
हमें चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ आधा ही पकाना है, 50 to 60%। ही यह मटन बिरयानी है तो इसमें मटन के साथ तो टाइम लेगा चावल भी पकने में। ये देखें, अब हम इसे 50-60% तक ही पकाएंगे। अब इसे ड्रेन कर लेंगे हम, इसको ढाप लें। 1 पिंच सेफ्रॉन ऐड कर लेंगे और गरम दूध ऐड कर लेंगे 1 कप। इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा बिरयानी का। देखिए चावल हमारे आधे पक गए हैं, चेक कर लेंगे, ये अभी भी कच्चे हैं। देखिए अभी कच्चे हैं ये, हमें इसे मटन के साथ भी पकाना है तो वो उसके साथ पक जाएंगे। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे पानी को। ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस अखने को उसी वेजल में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेवल कर दें। चावल को ऐड कर लेंगे यहाँ पर हमने, देखें इसके ऊपर चावल को ऐड कर देंगे, लेवल कर देंगे। लेवल कर देंगे हम इसे, ये देखो। जो सेफ्रॉन हमने भिगा लिया था वो ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बिरयानी का। तेल ऐड कर लेंगे जो हमने हाफ बचा लिया था, अच्छे से ऐड कर दें साइड से। गरम मसाला ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। नींबू का जूस ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। हरा मसाला ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए भी रख लेंगे। देखिए कितनी, यहाँ पर मैंने येलो कलर ऐड किया है थोड़ा सा, ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी बिरयानी बहुत ही कलरफुल लगेगी। इससे ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ऑरेंज कलर भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पर, आप कौन सा भी एक कलर इसमें ऐड करें। 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे और 20 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे दम के लिए। ये देखिए 40 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, बहुत ही क्लीनली निकल रहा है स्पून। देखिए अब हम इसे चेक कर लेंगे। मटन हमारा गल चुका है या नहीं, देखें कितनी कलरफुल लग रही है बिरयानी। ये देखिए इस तरह से हम साइड से चेक कर लेंगे, चावल भी बहुत ही अच्छी तरह से खिले खिले बने हैं। मटन चेक कर लेंगे, देखिए अच्छे से गल चुका है ये। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सी हैदराबादी मटन बिरयानी रेडी है, इसे आप रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी है, और शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।